जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मुकाबला खेला गया, उसमें मुंबई इंडियंस की जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल अब कैसे पूरी तरीके से बदल चुकी है और अब कौन सी टीम टॉप के नंबर पर आ चुकी है और कौन सी टीम लास्ट हो चुकी है और साथ में कौन कौन सी टीमों को बड़े बड़े झटके लगे हैं, तो पूरी डिटेल जानकारी पॉइंट्स टेबल से जुड़ी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा पॉइंट्स टेबल को जानने के लिए अंत तक। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और राहुल चाहर की शानदार गेंदबाजी के बाद बदली ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की दावेदारी, अब ये खिलाड़ी बने दावेदार। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी कर रच दिया ये बड़ा इतिहास, तोड़ दिया T20 इतिहास का ऐसा बड़ा रिकॉर्ड कि जानकर आप भी करोगे सलाम। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का नौवां मुकाबला मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, जहां पर मुंबई की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 20 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 विकेट खोकर मात्र 150 रन ही बनाए थे और 151 रनों का लक्ष्य सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के सामने था। लेकिन दोस्तों, ये किसी को भी नहीं पता था 151 रनों का लक्ष्य सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मानो वो इस मुकाबले को अपने हाथों से गवा देगी। जी हां दोस्तों, जब शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के ओपनर खिलाड़ी आए तो जोनी बेस्टो ने तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बावजूद भी हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में 137 रन पर ही ऑल आउट होगी, जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले को 13 रन से जीत लिया और हैदराबाद को इस मुकाबले में तीसरी हार मिली। हालांकि दोस्तों, तीसरी हार के साथ ही और मुंबई इंडियंस की दूसरी जीत के साथ ही पूरी पॉइंट टेबल का अब मिजाज बदल चुका है, जहां पर अब काफी बड़े बड़े बदलाव आप सभी को पॉइंट्स टेबल में दिखाई देने वाले हैं और यहां पर आपकी फेवरेट टीम को तो सबसे बड़ा झटका लगा है। तो आइए चलिए, अब हम आपको बताते हैं पॉइंट्स टेबल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लास्ट में देख पा रहे होंगे, जो अंतिम इस लिस्ट में अब आती है वो तो जाहिर सी बात है सनराइजर हैदराबाद की टीम है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले और तीनों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और इनके जो पॉइंट है वो 0 है। तो वहीं दोस्तों, बात करें सातवीं टीम के बारे में, जो सातवीं टीम है वो है पंजाब किंग्स की टीम। जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम को बड़ा झटका लगा है क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम अब 2 मैच खेलकर एक में जीत हासिल कर चुके हैं और एक में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और इनके पॉइंट जो है वो 2 हैं। हालांकि नेट रन रेट खराब होने की वजह से 7वें नंबर पर हैं। तो वहीं 6ठे नंबर पर है KKR की टीम, जहां पर KKR की टीम ने 2 मुकाबले खेले हैं, 2 में से एक में जीत मिली, एक में हार का सामना करना पड़ा और नेट रन रेट सही होने की वजह से 6ठे नंबर पर है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए पांचवी टीम के बारे में, जो पांचवी टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जहां पर राजस्थान की टीम ने 2 मुकाबले खेले, एक में जीत मिली, एक में हार मिली और नेट रन रेट 0.052 का है। हालांकि इनके पॉइंट हैं 2, जिसके चलते यहाँ पर RR की टीम 5वें नंबर पर आती है। तो वहीं बात करें चौथी टीम के बारे में, जो दोस्तों चौथी टीम निकल कर आती है इस लिस्ट में वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 2 मुकाबले खेले और 2 में से एक में इन्हें जीत मिली और एक में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जो इनका नेट रन रेट है वो 0.195 का है और इनके जो अंक है वो 2 है। तो नेट रन रेट सही होने की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4थे नंबर पर आती है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए तीसरी टीम के बारे में, जो तीसरी टीम है वो है चेन्नई सुपर किंग की टीम, जहां पर चेन्नई की टीम 2 मुकाबले अब तक खेल चुकी है और 2 में से इन्हें एक में जीत मिली और एक महीने हार का सामना करना पड़ा। हालांकि नेट रन रेट सही होने की वजह से तीसरे नंबर पर CSK की टीम है। तो वहीं दूसरे नंबर पर RCB की टीम है 2 में से 2 मुकाबले जीतने के साथ और वहीं पहले नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम आ गई है, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 मुकाबलों में से 2 में जीत हासिल करी और एक महीने हार का सामना करना पड़ा। बाकी दोस्तों, आपके सामने पूरी पॉइंट टेबल भी आप यहां पर विस्तार से देख भी सकते हो। बाकी अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इस साल मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी और राहुल चाहर की शानदार गेंदबाजी के बाद बदला ऑरेंज कैप और पर्पल कैप का खिताब। जी हां दोस्तों, ऑरेंज कैप की बात की जाए तो नीतीश राणा टॉप के नंबर पर है, दूसरे नंबर पर संजू सैमसन है, तीसरे नंबर पर मनीष पांडे, चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल और पांचवें नंबर पर KL राहुल। तो वहीं विकेट की बात करें तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल चाहर इस लिस्ट में अपना नाम बना चुके हैं 3 विकेट लेने के साथ। बाकी आपकी क्या राय है इनके
के बारे में आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 14वें सीजन का नौवां मुकाबला मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और हालांकि दोस्तों आज रोहित शर्मा का बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ, दर्जय शंकर की गेंद पर आउट हो गए। तो वहीं दूसरा झटका मुंबई की टीम को सूर्य कुमार यादव के रूप में लगा, जो कि आज 10 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और उनको भी विजय शंकर ने ही आउट किया। तो वहीं तीसरा विकेट मुंबई इंडियंस का क्विंटन डिकॉक के रूप में गिरा, जो कि आज 39 गेंदों में 40 रन बनाकर मुजीबुर रहमान की गेंद पर जे सुचित के हाथों कैच आउट हुए। तो वहीं चौथा विकेट हैदराबाद को ईशान किशन के रूप में मिला, जो कि मुजीबुर रहमान की गेंद पर जॉनी बेस्टो के हाथों लपके गए। तो वहीं पांचवी सफलता हैदराबाद को हार्दिक पांड्या के रूप में मिली, जहां पर हार्दिक पांड्या आज के इस मुकाबले में मात्र 7 रन बनाकर ही आउट हुए। और कारण पोलार्ड आज के इस मुकाबले में 22 गेंदों में 35 रन बनाकर नाबाद लौटे और उन्होंने आखिरी दो गेंदों पर दो छक्के जड़े, जिसके चलते ही मुंबई इंडियंस की टीम 150 रन के स्कोर तक पहुंच पाई और 151 रनों का टारगेट हैदराबाद की टीम को दे पाई। तो वहीं दोस्तों फिर हैदराबाद की टीम जब मैदान पर 151 रनों के लक्ष्य के जवाब में उतरी तो ओपनिंग करने के लिए आज ठोक डाले, जिसके चलते उनको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था। और उसके बाद तो जितने भी गेंदबाज गेंदबाजी करवाने के लिए आ रहे थे, जॉनी बेस्टो किसी भी गेंदबाजों को छक्के और चौके लगाने से चूक नहीं रहते और आज जॉनी बेस्टो ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों में ही 43 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। हालांकि दोस्तों वो कुणाल पांड्या की गेंद पर हिट विकेट आउट हो गए और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए थे बनाकर ही आउट हुए। हालांकि दोस्तों यहां पर विजय शंकर और अब्दुल समद ने हैदराबाद की टीम को जीत के काफी ज्यादा करीब लेकर गए। बाकी राइजर्स हैदराबाद की टीम के बारे में और आप आज के मुकाबले को देखकर मैच को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी निकल कर आ रही है वो ये है कि रविंद्र जडेजा ने पकड़ा हैरत अंगेज कैच, देखकर क्रिस गेल की भी होगी सिट्टी पिट्टी गुल। रविंद्र जडेजा अपनी फील्डिंग के चलते काफी सुर्खियों में रहते हैं और इस बीच पंजाब किंग्स के साथ खेले गए मैच के दौरान जडेजा ने एक बार फिर से अपनी धारदार फील्डिंग से सभी का ध्यान खींच लिया, जहां पर जडेजा ने हवा में सुपरमैन की तरह डाइव लगाकर पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का कैच लपका। तो वहीं मैच के 5वें ओवर में दीपक चाहर की गेंद पर क्रिस गेल ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह जडेजा को कैच थमा बैठे। तो वहीं क्रिस गेल को तो यकीन तक नहीं हुआ कि उन्होंने इस शॉट पर उनका कैच ले लिया और वह आउट हो गए हैं। बाकी आप यहां पर उनका कैच भी देख सकते हो और उनका रिएक्शन भी। रविंद्र जडेजा के इस कैच के बारे में आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।